गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, आज मैं एकदम सुबह उठ गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, क्योंकि आज मैं मंदिर जाऊंगी, इसीलिए मैं आज एकदम सुबह उठ गई हूँ। भंते लोगों के लिए सियोंग मेरे मदर इन लॉ ने बनाया है, क्योंकि सभी सब्जियां नॉनवेज में है। ये देखिए गाइस, ये रहा प्लेन राइस और ये है अंडा फ्राई और ये है मिर्च की चटनी मशरूम के साथ और ये है मसकलाई जलेबी। हम लोग अमरपुर से लेकर आए थे, ये बहुत ही फेमस एक जलेबी है। और ये है आम और क्या क्या सब्जी बनाया है मैं एक एक करके दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, ये है बैम्बू शूट बिना तेल के और ये है स्नेक गार्ड बॉयल और ये है घर का बैंगन और लॉन्ग बीन्स। लॉन्ग बीन्स भी घर के ही है। और ये देखिए गाइस, ये है देसी चिकन देसी कुकुम्बर के साथ। सो गाइस, मंदिर से आने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ टेरेस में पौधों को पानी देने के लिए। और यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे कितने सारे बैंगन मिले हैं। ये सभी बैंगन लगभग 1 किलो के करीब होंगे। ये देखिए गाइस, कितने सारे मिले हैं। और यहाँ पे कुछ लॉन्ग बीन्स भी रेडी है तोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। ये देखिए गाइस, एकदम ऑर्गेनिक। मैंने सिर्फ गोबर की खाद और नीम की खली का इस्तेमाल किया है। ये देखिए गाइस, और यहाँ से मैं कुछ नींबू भी तोड़ रही हूँ। तो मैं ये नींबू और बैंगन हम लोगों के पड़ोसियों को दूंगी। और यहाँ पे देखिए गाइस, मेरे ड्रैगन फ्रूट्स पक रहे हैं। ये देखिए, सभी लाल लाल हो रहे हैं, 1-2 दिन में सब अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए गाइस, और ये देखिए गाइस, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का पेड़। यहाँ पे लगभग 15-16 ऐसा फ्रूट आए हैं। ये देखिए गाइस, सब लाल हो रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार के ड्रैगन फ्रूट्स के साइज थोड़े बड़े हुए हैं, बस 1-2 ही छोटे हैं। ये देखिए गाइस, ये है ब्लैक पेपर। आज बहुत ही अच्छे से धूप खिला है, इसलिए मैंने इसको धूप में दे दिया है। मैं ड्राई चीजों को बीच बीच में ऐसे धूप में सुखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोफा के कुशन्स और पिलो भी धूप में दे दिया है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी मैं लंच की प्रिपरेशन करूंगी। ये देखिए गाइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इसे हम लोग होनागुलो कहते हैं। आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक सब्जी है। सबसे पहले इसको अच्छे से आग में सेकना पड़ता है ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। आप देखते रहिए गाइस, मैं इसको कैसे आग में सेकती हूँ। आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक रही हूँ। ये देखिए, इसको सेकने में जितना समय लगता है गाइस, पकाने में उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि सेकते समय ये हाफ कुक हो जाता है। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। अभी मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी।
आप देख सकते हो गाइस, मैंने सिर्फ साइड के हिस्से ही फेंक दिया है, बाकी के आप खा सकते हो। ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने इसको किस शेप में कट किया है, ये देखिए। तो कढ़ाई में अभी मैं दे रही हूँ थोड़ा सा तेल, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दे दूंगी चॉप्ड ऑनियन, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आखिर में इसमें दे दूंगी एक चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। तो अभी मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करूंगी। सो गाइस, मेरे ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद अभी मैंने सब्जियां भी ऐड कर दिया है। आग में सेकने के बाद हम लोग इसका भरता बना के भी खाते हैं गाइस। आने वाले दिनों में अगर हो सके तो गाइस, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। तो अभी मैं इसका ढक्कन लगा के इसे 5-6 मिनट तक कुक करूंगी। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा राइस फ्लावर। सबसे आखिर में मैंने इसमें दे दिया है थोड़े से लोकल धनिया और ये मेरी सब्जी बनके तैयार है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं दाल बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से करी लीव्स, थोड़ा सा 5 फूरन और थोड़े से ब्लैक पेपर। तो आज मैं दाल बैंगन के साथ बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं बैंगन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अगर आप लोगों ने कभी भी ऐसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। बातों बातों में देखिए गाइस, मेरे बैंगन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूंग दाल। तो सबसे आखिर में इसमें ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा घी। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैं सोया चंक को सिर्फ नमक हल्दी देके फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये रहा मेरा आज का लंच, सिंपल थाली। ये वाला सब्जी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है गाइस, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अभी मैं फटाफट से खा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घूमने के लिए आई हूँ। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर नजारा है। ये तालाब उज्जैन पैलेस का एक तालाब है जगन्नाथ मंदिर के सामने। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैरना सीखते हैं। ये देखिए गाइस, बच्चे सीख रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ एक स्नैक्स की दुकान में, ये शायद नया खुला है। और यहाँ पे मैं कुछ आइटम टेस्ट करके भी देख रही हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का खूब आनंद लेते रहिए।